गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर करेंगे 9th क्लास का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 2D और 3D फिगर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। 2D फिगर्स एक करेंगे 3D फिगर्स के बारे में। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन, 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। इसका एग्जैक्ट मतलब होता है कि 2 डायमेंशन के अंदर हम 2 एक्सिस को लेकर रखते हैं, यानी कि जिस चीज के अंदर हम 2 साइड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि जो हमारा कार्टेशियन प्लेन हमने किया था, तो कार्टेशियन प्लेन के अंदर 2 एक्सिस होते थे, एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो वो एक प्लेन था जिसके ऊपर हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करते थे, और तो वो क्या हो गया, 2D प्लेन, बिकॉज वहां पर 2 ही एक्सिस होते थे, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब 3D के अंदर 3 एक्सिस देखते हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। तो जो 3D फिगर्स, 3D चीजों को रिप्रेजेंट करती है चीजें, उनको हम सॉलिड फिगर्स भी कहते हैं। क्या कहेंगे, सॉलिड फिगर्स। तो सॉलिड फिगर्स का मतलब होता है जिसके अंदर 3 डायमेंशन दिखाएंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो अगर मैं कॉमन एग्जांपल्स के साथ 2D और 3D को डिफरेंशिएट कर, तो हमारे कुछ एग्जांपल्स इस तरीके से होते हैं। फॉर एग्जांपल, कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम करते हैं रेक्टेंगल के बाद, एक हम करेंगे क्यूबॉइड के बाद। अब रेक्टेंगल किस कैटेगरी में आएगा, 2D में, और 3D में क्या आएगा, क्यूबॉइड आएगा। क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर 2 साइड्स होती हैं, कौन कौन सी, लेंथ और ब्रेड, और क्यूबॉइड के अंदर 3 साइड होती हैं, लेंथ, ब्रेड और हाइट। तो इनकी साइड के हिसाब से भी इनको हम डायमेंशंस में कह सकते हैं। तो जो 3 साइड जिस फिगर के अंदर होती है, उसको हम पहली बार तो सॉलिड फिगर कहते हैं, उसको हम 3 डायमेंशनल भी कह सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर अगर एग्जाम्पल दूं तो मैं कह सकता हूँ, जो हमारा एक पेज होता है, पेज के ऊपर हम कोई भी रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया, तो यहाँ पर मैं लेंथ एंड ब्रेड्थ बोल सकता हूँ, बट जब मैं क्यूबॉइड को ड्रॉ करूंगा तो उसके अंदर जो एक्सिस होगा, वाई जेड एक्सिस भी ड्रॉ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक रेक्टेंगल लिया, इस तरीके से मैं 3rd साइड को भी रिप्रेजेंट करूंगा। तो अगर मैं यहाँ पर एक डस्टर लेता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप सिर्फ फ्रंट वाला फेस देखेंगे, तो यहाँ पर एक साइड ये है और ये एक्ट करेगी ब्रेड की तरह। लेकिन जब मैं इसकी थिकनेस को भी मेजर करूंगा, यानी कि ये तीसरी साइड 1, 2 और 3 फ्रॉम हियर टू हियर, तो इस चीज को हम बोल दूंगा दिस इज अ 3D फिगर। तो 3D की फिगर कौन सी होगी, रेक्टेंगल की क्यूबॉइड। बेसिकली लेंथ ऑफ ब्रेड की जब मैंने हाइट क्यूबॉइड कर दी, तो वो क्या बनेगी, 2D से 3D हो जाएगी, या उसको हम कई बार थिकनेस भी बोलते हैं। तो जैसे कि हमारा एक पेज है, पेज एक 2D की शेप में आ गया, और कई पेजेस को कलेक्ट कर देते हैं तो एक नोटबुक बन जाती है। तो बेसिकली नोटबुक को हमने हाइट भी प्रोवाइड कर दी, तो वो क्या हो गया, 3D फिगर हो गया। अब ये था रेक्टेंगल के। अब हमारा अगर सर्कल ले लिया, अगर हमने एक सर्कल ले लिया, यानी कि हमने बेसिकली स्फीयर ले ली, या फिर हम सर्कल को भी ले सकते हैं। अब सर्कल हो गया, एक सर्कल है हमने ड्रॉ किया। अब एक सर्कल जो मैं रियल लाइफ में लेके आऊंगा, छोटे छोटे सर्कल, बहुत सारे सर्कल्स को स्टैक में लगा दूंगा, यानी कि एक सर्कल के ऊपर बहुत सारे सर्कल्स, और स्ट्रेट लाइन में लगा दूंगा। जैसे कि मान लो इस लाइन में था हमारा एक और, एक और, एक और, इस तरीके से मैंने अगर कई पॉइंट्स को, मैं मान लेता हूँ एक पॉइंट का जो ठीक है वो नेगलिजिबल है, तो कई पॉइंट्स को मैंने खड़ा किया, तो वो सर्कल से इस शेप में आ जाएगा, वो सिलेंड्रिकल शेप में आ जाएगा, दैट विल कम इन द सिलेंड्रिकल शेप। तो इससे जो मैंने ये किया कि रेक्टेंगुलर शेप को ड्रॉ करने के दिखाया है, जो डस्टर के फॉर्म है, दिस फेस इज दिस, एंड अगर टेढ़ा करो तो ये फेस को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया। तो ये जो फ्रंटल फेस है, इसकी एक साइड एल मान ली, एक साइड, इसकी जो रिमेनिंग साइड बची, जो यानी कि ये थिकनेस थी, वो क्या मान ली गई, एच मान ली गई, यानी कि इसी तरह जो हमारी एच होगी वो इस साइड को हो जाएगी, एंड ये जो बी था तो हमारा ये क्या रहेगा,
बी रहेगा। तो हमने क्या किया, इसी तरह इसी क्लस्टर के चारों फेसेस को इंडिविजुअली ऐड कर दिया, वन टू एक इसके बैक साइड में और एक साइड में, तो चारों फेसेस का अलग अलग एरिया निकाला, बिकॉज चारों किस शेप में होंगे, रेक्टेंगुलर शेप में। तो मैंने एलबीएच के अकॉर्डिंग चारों फेसेस को एल इंटू बी किया, तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया फाइंड हुआ। फेस वन में एल इंटू बी हुआ, यानी कि इस फेस का, सेकेंड फेस का मैंने ये मिला लिया जिसका एच इंटू बी माना था, और ये एल इंटू बी, फिर से ये एच इंटू में बी। तो मैंने क्या किया, टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए चारों फेसेस को ऐड किया, 1 2 3 4, तो ये वैल्यू जो निकली उनको ऐड किया, तो जो कॉमन आया उसके बाद जो हमारे पास आउटपुट है, दैट इज 2b l + h। सो ये था कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो अब हमें अगर टोटल सरफेस एरिया इस केस में फाइंड आउट करना हो, टोटल सरफेस एरिया के अंदर मैंने आपको बताया था टॉप और बॉटम लिया करते हैं, यानी कि ये चार साइड हो गई, एक साइड ये ऊपर वाली, ये भी रेक्टेंगुलर शेप में एज यू कैन सी, और एक इसके बॉटम। अब देखेंगे एक फेस के जो अपोजिट फेस होगा वो दोनों का एरिया सेम होगा, बिकॉज उनकी डायमेंशन सेम है, और इसकी डायमेंशन क्या ऊपर वाले की, एक तो एल हो गई और एक एच हो गई। तो जब मैं इनका एरिया को ऐड करूंगा, एरिया ऑफ फिफ्थ फेस, फाइव फेस का क्या हो जाएगा, बेसिक फॉर्मूला तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, अब इस केस में एल लेंथ क्या है, एल और ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, एच हो जाएगा, तो ये कितना निकला, एच इनटू एल। इसी तरह सिक्स फेस भी क्या हो जाएगा, बॉटम ही नहीं लिया था वो भी सेम ही होगा, क्योंकि अपोजिट फेसेस क्या होते हैं, तो फिफ्थ और सिक्स फेस भी हमारे पास आ गए। तो अब हमने टीएसए निकालना है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू CSA, यानी कि कर्व सरफेस एरिया में निकाला प्लस फिफ्थ फेस प्लस सिक्स्थ फेस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर मैं इंडिपेंडेंट फॉर्म में लिखूं, इस चीज को लिखूं, LB प्लस HB प्लस LB प्लस HB प्लस HL प्लस HL। हम ध्यान से देखें तो तीनों चीजें टू टू टाइम्स रिपीट हो रही हैं, एक LB, HB भी और HL भी। तो हम कॉमन लेंगे टू को, तो LB plus BH plus HL. So, we got our total surface area formula for cuboid. Cuboid का total surface area क्या हो गया? 2 times of LB plus BH plus H of L. इस तरीके से हम individually खुद भी derive कर सकते हैं formulas को. But for the time being आपको ये formulas को learn करना पड़ेगा, memorize करना पड़ेगा, क्योंकि एवरी टाइम यू कैन नॉट डायरेक्ट द फॉर्मूला अगर आपके पास एग्जाम्स में टाइम इनफ नहीं है, तो इस तरीके से आप लोग एरिया को फाइंड आउट कर सकते। तो बेसिकली ये क्या था, क्यूबॉइड के केस था। अगर मैं क्यूब की बात करूँ तो क्यूब क्या चीज है, अगर मैंने स्क्वेयर दे दिया, स्क्वेयर को हाइट दे दी तो क्यूबॉइड क्यूब हो सकता है, अगर मैंने हाइट इक्वली दी है सारी साइड में। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, कि स्क्वेयर से क्यूब फॉर्म करेंगे, क्यूब के अंदर क्या है, मैं कह रहा हूँ 6 के 6 फेसेस सेम होते हैं। तो यहाँ पर क्यूब के अंदर एल बी बी एच एच एल, तो यहाँ पर सभी एल के बराबर भी हो सकते हैं, सभी बी के भी, सभी एच के बराबर है, बिकॉज क्यूब की सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर हम क्यूब पर वर्क करेंगे तो हर फेस की साइड एरिया जो आएगा राइट, ईच साइड ऑफ क्यूब is equal to a। हमने मान लिया a क्यूब की हर साइड की डायमेंशन कितनी है, a। तो अगर पहला वाला फेस का एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब a मल्टीप्लाई a, व्हिच विल मेक इट a स्क्वायर। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और थर्ड फेस भी a स्क्वायर, a स्क्वायर, चारों फेस क्या हो जाएंगे, a स्क्वायर हो जाएंगे, बिकॉज़ सारी साइड्स इक्वल है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ a इनटू a हो जाएगा। और फिफ्थ फेस के अंदर भी यहां पर क्या हो जाएगा, a इनटू में a, फिफ्थ फेस में भी क्या होगा, a स्क्वायर, सिक्स्थ फेस में भी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। तो ts से क्या बनेगा, जब मैं सभी को ऐड कर दूंगा, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 6 टाइम्स रिपीट होगा, 1 2 3 4 5 6, बिकॉज क्यूब के अंदर भी क्या होंगे, 6 फेसेस होंगे विद इंक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम। तो ये टीएसए क्या निकल गया, 6a स्क्वायर।
अब इजीली जो है फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अगर मैं इसे सीएसए की बात करूं, सीएसए ऑफ क्यूब, सीएसए ऑफ क्यूब क्या होगा, उसके अंदर फोर साइड्स हैं, तो सिंपल फोर ऑफ साइड स्क्वायर है और फोर एक साइड क्या किया हमने एरिया, तो फोर ऑफ ए स्क्वायर। सो दिस इज अ थिंग, बेसिकली आप लोग क्या कर सकते हैं इस तरीके से सारे फॉर्मूलास को डिराइव कर सकते हैं। जिक्र करेंगे सिलेंड्रिकल शेप का, सिलेंड्रिकल शेप का मतलब होता है कि जब हमने एक पॉइंट ले, एक पॉइंट को हाइट प्रोवाइड कर दी, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा जो शेप बनेगा दैट इज सिलेंड्रिकल शेप। तो हमने जो सर्कल से शेप बनती है वो हम क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, सिलेंडर बोलेंगे, ना कि स्फीयर बोलेंगे। स्फीयर इज अ डिफरेंट शेप, जनरली क्या होता है कंफ्यूजन होता है स्फीयर के बीच में और सिलेंडर के बीच में, तो हम कहते हैं कि सर्कल को बड़ा कर देंगे तो स्फीयर बन जाएगा, बट दैट इज नॉट द केस। स्फीयर जो होता है बॉल की तरह होता है, जैसे सपोज हम क्रिकेट बॉल को कंसिडर कर रहे हैं, उसके अंदर सारे ही कटिंग करेंगे आप पीसेस, तो रेडियस हर जगह सेम नहीं होता, बट सिलेंडर के अंदर अगर आप कट करेंगे तो सारे फेसेस सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस तरीके से पॉइंट ले लिया और ये मान लीजिए सेंटर था, तो एक और पॉइंट इसके ऊपर रख दिया, एक और रख दिया, एक और रख दिया, बट कंडीशन है कि ये सब पॉइंट 90 डिग्री पे होंगे ग्राउंड से। अगर ये हमारा ग्राउंड था तो इस तरीके से ये ग्राउंड से 90 डिग्री पे होने चाहिए। इसलिए हम यहाँ जो जिक्र कर रहे हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, हम कहेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब होता है कि ऐसा सिलेंडर जिसके अंदर जो है ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बने, अदरवाइज कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं होगी। अगर सपोज कीजिए अगर मैंने एक पॉइंट ऐसे लिख दिया, एक पॉइंट डेटा कर दिया इसके, एक पॉइंट, सो ये ग्राउंड के साथ 90 डिग्री नहीं बना रहा, ये डिफरेंट एंगल्स बना रहा है, तो ये हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है, बट दिस इज द करेक्ट। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर हमने बेस पे क्या रखा है, सर्कुलर शेप रखी। तो सर्कुलर शेप की बात कर रहा हूं, मैंने फर्स्ट थिंग आपको यही बताई थी कि अगर मैंने यहां पर कर्व सरफेस एरिया निकाला, कर्व सरफेस एरिया के लिए मैंने कौन सा पोर्शन कवर करना है जिसको कर्व करेगा चारों तरफ से, जिसमें मैं टॉप और बॉटम नहीं लूंगा एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम, टॉप और बॉटम को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो मैंने बताया सिलेंडर किससे बना है, सर्कुलर की शेप से, सर्कुलर शेप से, सर्कुल के बेस पे जो सर्कल होता है उसका पैरामीटर क्या होता है, दैट इज 2πr, यानी ये जो पोर्शन था 2πr था, ये जो बाहर बाहर से सर्कमफ्रेंस है पैरामीटर को ही तो हम सर्कल के केस में सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, दैट इज स्पेसिफाइड टर्म। तो आई से डाल दूंगा पैरामीटर ऑफ सर्कल बेसिकली क्या होता है, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस के केस में हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का, दैट इज इन दिस केस 2πr। तो 2πr को मैंने कितने सर्कमफ्रेंस पे बढ़ा दिया, मतलब अगर ये 2πr है, यहाँ भी है, इसी इतने सारे 2πr मैंने ऊपर ऊपर रख दिए, तो इनकी जो हाइट बन रही है उसको मैं h बोल देता हूँ, यानी कि जो मेरी ये लंबाई है इसको मैं h बोल दूँ, तो मेरा जो कर्व सरफेस एरिया बनेगा यहाँ पर बेसिकली सीएस से बनेगा जो हमारा सिलेंडर का, क्या मानेगा 2πr इनटू में कितनी हाइट का गया, तो हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है 2πrh। तो हमारा सीएस के ऑफ सिलेंडर क्या बन गया 2πrh। सो बेसिकली अगर ये सर्कल से बने तो हम इसका एरिया भी निकाल सकते हैं, तो हम इसका
टोटल सरफेस एरिया निकाल लेता हूँ बॉटम को और टॉप को भी ऐड कर देंगे, तो बॉटम के अंदर कितनी जगह ले रहे, ये तो मैंने क्या किया, ये जो पोर्शन कवर हो रहा है चारों तरफ को कवर कर रहा है, कर्व मतलब चारों तरफ, तो यहां तक का तो मैंने एरिया निकाल दिया चारों साइड का, टॉप और बॉटम निकालना है, तो टॉप पे क्या है सर्कल, सर्कल का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, सेम यहां भी पाई आर स्क्वायर, तो क्या होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा सी एस ए प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो सी एस ए क्या है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, अब यहां से कॉमन एन कर दे 2 पाई आर, यहां पे क्या बचा एच प्लस में क्या बचा ए प्लस आर, तो ये क्या बन गया 2 पाई आर एच प्लस में आर, अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। इस तरीके से हम हर एक फिगर का डेराइव करके लिख सकते हैं। अब एक फिगर आती है जिसको हम क्या कहते हैं कॉन, कॉन एक ऐसी फिगर होती है जिसको हम अगर रियल लाइफ में अज्यूम करें तो दैट इज द शेप ऑफ आइसक्रीम, जो हम आइसक्रीम खाते हैं, तो अगर बोर्ड पे ड्रॉ करें तो हम इसको कुछ इस तरीके से भी ड्रॉ करें, यहां पर एक रिलेशन होता है सिलेंडर के बीच में और कोन के बीच में, तो अगर हमने कोई सपोज करते हैं मैंने सिलेंडर ले लिया और मैंने वो दिया कि इन दोनों की हाइट जो है वो मैंने h मान ली और रेडियस मैंने यहां भी r माना, सपोज ये भी r ही था तो दोनों का रेडियस भी सेम है h भी सेम है, when r and h are same, तो इस केस में मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, बेसिकली वॉल्यूम के केस में मैं यहां पर क्या बोलूंगा कि ये भी ब्लैंक है बीच में से, इसको भी खाली छोड़ा हुआ जैसे हमारा एक ग्लास खाली होता है मग की शेप का, तो अगर मैंने इस कोन की हेल्प से इस कप को भरना है पूरा कंप्लीट भरना है तो मैंने क्या किया तीन बार इसके अंदर सेम लिक्विड में, सपोज करते हैं मैं वाटर से भर रहा हूं तो मैंने क्या किया इसके अंदर जो वाटर भरा वो मुझे 3 टाइम्स भरना पड़ेगा एक बार फिल करने के लिए, अगर आर और एच का वैल्यू सेम है, तो यहां से बहुत बड़ा कंक्लूजन निकल के आता है कि इन दोनों का वॉल्यूम का रिलेशन निकल के आता है, तो वॉल्यूम क्या होता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है किसी चीज को रिटेन रखने, तो इसके अंदर कितना लिक्विड आ सकता है और इसके अंदर कितना आ सकता है, तो इसके अंदर 1/3 आएगा जो किसका होगा सिलेंडर का, तो इस तरीके से फॉर्म के बारे में हम फर्दर डिस्कशन करेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस फिलहाल हम सिलेंडर क्यूबॉइड और कौन से रिलेटेड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स जो हमने अभी तक कर लिया मैंने एक बार समराइज करके सभी फॉर्मूलास को लिख दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्यूबॉइड की बात की, क्यूब की और सिलेंडर की, बाकी कौन सी है वगैरह हमने साथ में करेंगे, तो मैंने जो फॉर्मूला अभी हमने डराइव किया तो मैंने तीनों को लिख दिया है यहाँ पर और मैंने वॉल्यूम को कंसिडर नहीं किया, तो वॉल्यूम जनरली यहाँ पर टेंथ क्लास में रहते हैं और थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट इस बार दिया लेकिन वो लास्ट की एक्सरसाइज में कवर करेंगे, तो इनसे रिलेटेड मैंने तीन क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं। पहला वो बोल रहा है इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, पहली बात तो क्यूब की बात कर रहा है, दूसरा आपको देखना है कि वो कौन से एरिया की बात कर रहा है, सी एस सी की कर रहा है या टी एस सी की बात कर रहा है, तो आपको उसने फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी बात की क्यूब की, तो हम किसको देखेंगे क्यूब के फॉर्मूला को पिकअप करेंगे सर, तो क्यूब ऑफ क्यूब का लेटरल एरिया था, मैंने आपको कर्व सरफेस एरिया बताया तो कर्व सरफेस एरिया को ही लेटरल सरफेस एरिया भी कह देते हैं, दैट मींस बेसिकली जिसके अंदर टॉप और बॉटम ना हो, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे और इससे क्या बोला है कि एक एच की मेजरमेंट बताओ तो लेटरल सरफेस एरिया कितना दे रखा है, तो वी विल राइट आई कैन राइट एल एस इन लेटरल सरफेस एरिया
ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो कितना दे रखा है 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर. बट हमें पता है कि लेटर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर. 4 साइड टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर इज 1600. तो साइड का स्क्वायर क्या आ गया 1600 बाय 4. तो ये कितना हो गया 400. तो साइड स्क्वायर कितना हो गया 400. तो साइड क्या लेंगे यहां से अंडर रूट ऑफ 400. तो हमारे पास अब हम रूट से निकालेंगे बाहर तो कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर. तो हमने एलएसए की हेल्प से क्या कर लिया, जब उसने हमें जो फॉर्मूला डेराइव किया था हमने एक साइड पता था, तो हमने एलएसए और टीएसए डेराइव किया. बट अब हमें उसने क्या दे दिया, ये स्टेट गिवन दिया, तो हमें एक साइड निकालनी होगी. तो हमने सिंपली इससे निकाल दी. स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ गया उसके अंदर बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड. फॉर एग्जांपल उसने बोल दिया कि कोई भी रूम है आपके पास, अब उस रूम के अंदर आपने पोल लगाना है, एक पोल को रखना है. वो अगर पोल रखोगे तो कितना ज्यादा से ज्यादा लंबा पोल उसके अंदर आ सकता है. मान लीजिए एक रूम था ये क्यूबॉइड शेप में, तो इसके अंदर हमने जो पोल रखना है वो कौन सा होगा सबसे बड़ा, जो हमने ये डायगोनल रखेंगे इसमें, ये जो पोल यहाँ पे तो हाइट ब्रेड की शेप का ही आएगा, यहाँ पे लेंथ जितनी होगी वो कितना ही पोल आ सकता है इसमें, लेकिन जो डायगोनल होता है डायगोनल उसके अंदर सबसे बड़ा पोल आ सकता है. तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्योंकि उसने बोला है दैट कैन बी पुट इन अ होल ऑफ डायमेंशन, और हमें पता है होल किस शेप में होता है, क्यूबॉइडल शेप में होता है. तो सबसे बड़ा किस शेप में आ सकता है, तो हम यहां पर बोलेंगे कि डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर. एल का मतलब क्या है यहाँ पे 23 होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का मतलब है 10 का स्क्वायर एच का स्क्वायर. तो यहाँ से हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 100 प्लस 100 प्लस 23 स्क्वायर 529. सो इट विल कम 729 एंड 729 किसका स्क्वायर रूट होता है, वी हैव टू फाइंड इट. So it is a square of 27. तो diagonal यानी कि जो पोल होगा हमारा, पोल जो है वो 8 हो सकता है सबसे बड़ा एक रूम के अंदर, उसकी जो लेंथ कितनी होनी चाहिए 27 अगर हमारे को रूम के डायमेंशन दिए या हॉल के डायमेंशन दिए 23 × 10 × 10. स्टूडेंट्स हमारे को नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर. तो उसने किससे लेकर के सिलेंडर की बात कर रहे हैं, सिलेंडर की बात कर रहा है कुछ इस टाइप की शेप की बात कर रहा है. तो ये सिलेंडर के केस में कह रहा है जो हाइट है सिलेंडर की वो कितनी दी गई है, राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 21 सेंटीमीटर. तो जो ये हाइट दी गई है 21 यहाँ सेंटर से ही कंसीडरेशन होगी. एंड जो लेटरल सरफेस एरिया दिया गया मैंने डायरेक्ट एंगल से लिख दिया वो कितना है 792 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो हम लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया, और मैंने बताया था लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, क्लॉड सरफेस एरिया, वो किसके इक्वल है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसके इक्वल है 790 एंड ही हैज आल्सो प्रोवाइडेड अस विद द हाइट. हाइट कितनी दी हुई है 21 ऑफ सेंटीमीटर. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लेटरल सरफेस एरिया क्लॉड सरफेस एरिया ही होता है, और सिलेंडर का क्या है 2πRh. तो 2πRh का वैल्यू किसके इक्वल दिया हुआ है 792 के.
तो यहाँ पर हमारे को लेटर सरफेस एरिया जो दे रखा है उसका वैल्यू क्या दे रखा है 790 दे रखा है यहाँ पर, और h का इंडिविजुअल वैल्यू भी हमारे को दे रखा है, सो दैट वी फाइंड कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ r। फाइव का वैल्यू हमारे को पता है 22/7 होता है, r को हम निकाल सकते हैं और h क्या था 21। जो हमने r का वैल्यू निकाला लेटरल सरफेस एरिया की हेल्प से तो हमारा कितना आया 6 सेंटीमीटर। बट उसमें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है हमारे को डायमीटर निकालने का बोला है, एंड वी नो दैट कि जो हमारा डायमीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, इक्वल टू मल्टीप्लाई रेडियस, तो क्या हो जाएगा 2 × 6 व्हिच इज इक्वल टू 12। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमें गिवन फार्मूला से भी इंडिविजुअल टर्म्स को निकालना आ सकता है। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर हमारे को गिवन था जिसका हमें LSA यानी कर्व सरफेस एरिया दे रखा था, हाइट भी गिवन था, तो हमें क्या बोला था उसने डायग्राम को फाइंड आउट करने का डायमीटर निकालने को बोला था। उसके लिए हमने क्या किया, पहले r को निकाला और r को 2 से मल्टीप्लाई किया, या फिर आप r प्लस r भी कर सकते थे, तो फाइंड द डायमीटर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉक्स की वो बात कर रहा है जो किस चीज का प्लास्टिक का, तो बॉक्स का मतलब है कि वो या तो क्यूब की शेप हो सकता है या क्यूबॉइड की, बट अगर हम ये देखें कि उसकी तीनों साइड इक्वल है तो वो क्यूब बन जाएगा, अगर तीनों साइड डिफरेंट है या दो साइड में कोई भी एक साइड डिफरेंट है तो वो क्यूबॉइड की शेप होगी। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि लेंथ कितनी दी है 1.5, वेट कितनी दी है 1.25 और हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, दी डेप्थ का मतलब होता है थिकनेस या हाइट की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर तीनों साइड डिफरेंट है तो हम क्यूबॉइड के फॉर्मूलास को यूज करेंगे, बट इसमें एक चीज बोलती है कि ये जो क्या है टॉप से ओपन है, अगर हमने एक बॉक्स ले लिया फॉर एग्जाम्पल कि हम जो चॉक बॉक्स लेते हैं या हम कोई भी फुटवेयर खरीदते हैं शूज खरीदते हैं तो उसका ऊपर से हम खोलते हैं तो उसकी कितनी साइड आएगी, साइड का कर्व सरफेस एरिया और एक बॉटम है क्या टॉप से तो वो खाली होता है। तो अब हम जब भी यहाँ पर एरिया को फाइंड करेंगे तो हम एक टॉप लेंगे और टॉप की साइड हम जनरली कौन सी लेंगे एलबी। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशन को लिखेंगे, तो हमारे को फर्स्ट ऑफ ऑल ज्ञात करना है लेंथ ऑफ बॉक्स कितनी दी हुई है 1.5 मीटर, इसी तरह ब्रेड कितनी दी हुई है बॉक्स की 1.25 मीटर एंड डेप्थ इज गिवन एज 65 सेंटीमीटर। अब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी डिवाइडेड बाय, सो इट विल बिकम 0.6765 मीटर। तो अब उसने बोला है पांच साइड है टॉप नहीं है, तो हमारे को क्या निकालना था एरिया ऑफ अ बॉक्स इज इक्वल टू, देखिए CSA प्लस LB, तो CSA कितना होता है 2H L प्लस B प्लस 1 LB। तो यहां पर वैल्यूज को पुट करेंगे हम लोग 2 × में H, यहां पर क्या बचेगा L प्लस में B प्लस L इंटू बी दैट इज 1.5 × 1.25 मीटर स्क्वायर। तो ये था फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर उसने बोला था कि तीन डायमेंशन एक प्लास्टिक बॉक्स की गिवन है जो क्यूबॉइड शेप में है तो उसका एरिया निकालना है जिसका टॉप नहीं है, तो मैंने पांच साइज का एरिया इंडिविजुअल निकाल के ऐड कर सकते थे या फिर मैंने सीएसए के अंदर एक बॉटम का एलबी को ऐड कर दिया तो हमारा एरिया ऑफ बॉक्स निकल के आ गया। नेक्स्ट पार्ट में वो बोल रहा है
नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ अ शीट फॉर इट, कह रहा है इस बॉक्स को बनाने में जिस चीज से ये बना है उसकी कितनी कॉस्ट पड़ेगी, अगर 1 मीटर स्क्वायर 20 रुपीस का, 1 मीटर स्क्वायर इज 20 रुपीस, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट, 1 मीटर स्क्वायर शीट कितनी है रुपीस 20, तो टोटल एरिया में कितना रुपए की शीट लगेगी, तो कॉस्ट ऑफ जितना एरिया हमने निकाला 5.45 मीटर स्क्वायर शीट कितना आ जाएगा 20 × 5.45, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जब सॉल्व किया तो कितने रुपए की पड़ गई रुपीज 109, तो 109 रुपीज की पूरी शीट आएगी जिससे इस एरिया का जो बॉक्स बनेगा विच विल बी ओपन एट द टॉप। स्टूडेंट्स सो आज की क्लास में हम नए क्वेश्चंस करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इनका वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।